आज मैं पहली बार के टाइम बर्तन किसे धोते थे जब ये विम वगैरह नहीं होते थे तो। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी, आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया। तो अभी टाइम हो गया 9 बजे और मैं अभी नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और गीले बालों में ढाटू लगाया क्योंकि अभी मैं खाना बना रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि खाने में बाल आए, इसलिए मैंने ढाटू बांध लिया है। और आज मैं बनाने वाली हूँ माश की खिचड़ी। हमने पिछली कल शाम को भी रोटियाँ खाई और उसकी सुबह भी रोटी खाई और दिन को भी रोटी खाई। तो मेरे को साथ ही बस मुझे चावल खाने, मैं शाम को रोटी खाती हूँ और सुबह में चावल, एक टाइम मैं चावल जरूर खाती हूँ। तो चलो बनाते हैं माश की खिचड़ी और शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। जो भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दिखाते हैं आपको आज का मौसम और इस ब्लॉग को भी शुरू करते हैं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि टमाटर नहीं बचे हैं फ्रिज में, तो टमाटर के बदले मुझे टमाटर सॉस डालना पड़ेगा क्योंकि दो तीन दिन पापा घर पर ही थे ना, मम्मी वगैरह लास्ट ब्लॉग में जैसे बताया मैंने, तो मम्मी वगैरह बगीचे ही है तो फिर बाजार जाने वाला कोई था नहीं, तो इस करके टमाटर ही नहीं लाए हमने। चलो सॉस से काम चलते हैं, थोड़ा सा सॉस डालूंगी और फिर बनाते हैं माश की खिचड़ी। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो वहाँ पर मैंने कपड़े भी धोए हैं अपने और आप देख होंगे कि चारों तरफ ऐसी धुंधुंध सी क्यों दिख रही है। तो इधर कहीं आगे ना आग लगी है, जो मैं हमेशा दिखाती हूँ ना स्कूल आपको, जो हमारा स्कूल है, स्कूल के पीछे कहीं आग लगी है। पता नहीं कैसे बेवकूफ़ लोग यार जंगलों में आग लगाते हैं, इनको क्या ही बोल सकते हैं यार। और मतलब काफ़ी आग, रात को तो बहुत दिख रही थी इधर आग जलती हुई और अभी भी काफ़ी ज़्यादा धुआं है। दादी अभी आगे तक गए थे ना देखने के लिए सड़क में, तो बोल रहे थे कि अभी भी बोलते उधर होकर आग लगी है। यार प्लीज़ इस तरह से जंगलों में आग ना जलाओ, ऊपर से इतना सूखा हो रहा है, अगर जंगल भी जलाएंगे, पेड़ भी जलेंगे तो हमको हवा कैसे आएगी। बट क्या बोल सकते हैं, ऐसे मन बुद्धि लोग रहते हैं, क्या कर सकते हैं। तो चलो बनाते हैं फटाफट से खाना और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और आज मैंने यहाँ पर डाले अपने कपड़े धो धा के, चलो। और ये थोड़ी बहुत सी मिट्ठा रह गया था उठाने के लिए, तो ये लेके आए दादी, इसको हम शाम को निकालेंगे। देखो मिट्ठा दिख रहा है आपको, मिट्टी। रही हमारी माश की खिचड़ी, थोड़ा सा मैंने घी डाला है और थोड़ी सी प्याज और थोड़ा सा फूंगी में गलगल का अचार। तो चलो खाते हैं। तो अभी हम लोग खाना वगैरह खा के ख़त्म हो गया और अभी मैं बर्तन धोऊंगी बाहर। और आप लोगों को पता है कि पहले के टाइम बर्तन किसे धोते थे जब ये विम वगैरह नहीं होते थे, तो ना इससे बर्तन धोते थे, राख से। जैसे चूल्हे पर खाना बनाते थे तो फिर जो उसकी राख होती ना लकड़ियों की, तो उसके बाद उससे बर्तन धोते थे। तो दो दो फायदे होते थे, खाना बनाओ और बर्तन भी उसे ही धो। तो मैंने सोचा चलो मैं भी आज इसमें धोती हूँ, किसे अच्छे धुलते हैं। तो बाहर कई बार बर्तन धोते हैं ना तो इसे धोते हैं, और थाली इसे अच्छी साफ़ होती है, और कुकर को इसे ही साफ़ करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं बर्तन साफ़। जो ये राख है ना, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं इधर छार। तो अभी टाइम हो गया 3 बज गया और जस्ट सो के उठी हूँ और अभी मेरे को बहुत तेज़ प्यास लग गई है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है मेरा। और जो ये घड़ा है ना, इसमें बहुत अच्छा पानी रहता है ठंडा। और मुझे ना बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, पहले मैं पानी पी लेती हूँ उसके बाद सोचती हूँ क्या बनाऊँ, क्या है बचा हुआ। इतनी मक्खियाँ है ना, इतना भगा भगा के भी वापिस आ जाती है मक्खियाँ। तो अब चलते हैं हम बाहर और खाएंगे हम चेरी। चलो कौन
तो अभी कुछ और खाने का मन कर रहा है, तो है हमारे पास मुड़ी, खाएंगे मुड़ी। देखो जो उस दिन चावल की मुड़ी बनाई थी दादी ने, इसमें हमने डाले बघूड़ू, बघूड़ू और थोड़ी सी गुड़ भी है। देखो बाकी गुड़ मैंने इसे छान छाट के खा लिए, थोड़ी सी बची है गुड़। तो अभी मैं खा रही हूँ खिचड़ी जो हमने सुबह बनाई थी माश की, वो भी बाहर बैठ के, और ये है लस्सी, लस्सी के साथ खाऊंगी। खाते हैं दिखा रही थी यहाँ पर मिठा खाता दादी ने, तो दादी ने निकाल दिया आधा, और आधा अभी और बचा है इसमें। इस बार हमारा बहुत मिठा हो गया, और अभी दादी वहाँ पर बना रहे लस्सी। मैं बोल रही थी कि मशीन में लगाओ, ठीक है कौन मशीन धोता रहेगा, इसलिए पहले मैं डब्बे में ही लगा रही हूँ, तो डब्बे में लगा रहे। तो आज मैं पहली बार जिंदगी में पहली बार निकाल रही हूँ मक्खन, उसके लिए दादी मेरे को इतना बोली ऐसा कर वैसा कर, जैसे मुझे आता ही नहीं, मुझे बेशक आता नहीं बट मैं कर सकती हूँ, मुझे आता है ना मक्खन निकालने से। पहली बार मौका मिला मुझे मक्खन निकालने का। तो अभी मौसम बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है, बादल बादल से आगे आइए आपका स्वागत है बादलों। तो दादी भी निकाल रहे मक्खन, क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं निकाला, क्योंकि मेरे को फंस रहा था डब्बे में। वैसे मशीन से तो मैंने एक बार निकाला था, मशीन से इजीली निकल जाता है क्योंकि उसमें ना बड़ा हंडकू होता है उसमें लस्सी होती है फिर उसमें मक्खन लगता है, तो मतलब वो अच्छा होता है निकालने के लिए, ठीक होता है। उसमें ऐसे थप जप भी होता है, बट इस डब्बे में तो मेरे को निकालना ही नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रही थी मैं शाम के लिए दाल डाल के रखती हूँ, और देखा तो लाइट ही नहीं है। आजकल ना लाइट बहुत जाती है, मतलब दिन को भी बार बार जाती है, सुबह भी जाती है, पता नहीं लाइट का क्या है। और मैं चाहती हूँ कि बादल आप बरस जाओ, अभी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो अगर आप आओगे तो हमारे को थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। तो चलो लाइट का वेट करते हैं, फिर लगाऊंगी दाल, और अभी टोफू को भी घुमाना है यहाँ को, और आज मम्मी पापा भी आएंगे नीचे। तो यू वैसे मम्मी पापा दो दिन के बाद आ रहे, बट मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। हाँ जी तो बाद मुझे अंदर बुला रहे, तो चलते हैं अंदर, और इसके बाद चलते हैं टोफू को घुमाने। चलो चलते हैं। तो अभी टोफू ने गाड़ी देख ली, और देखो भोंगना शुरू कर दिया, और वहाँ देखो मम्मी पापा आ गए। टमाटर नहीं बचे थे हमारे, और थोड़े से आलू, और चलो उसको रखते हैं नीचे, और तो अभी बारिश भी शुरू होगी, और बारिश ना ऐसे इस तरफ को आ रही है, इस तरफ को सारी।